हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां, यहां पर आप लोग देख रहे हैं हमारी एक्सप्रेसवे सीरीज के अंतर्गत हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। यदि भारत में सड़कों की विशाल नेटवर्क की बात करें तो इस मामले में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यदि हम भारत में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो उसमें से यदि यूपी की बात की जाए तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि गोरखपुर बाईपास NH 27 से शुरू होकर जैतपुर के पास से शुरू होकर आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाकर के मिलेगा, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो, इन सभी में एक एक्सप्रेसवे को छोड़ कर के लगभग सभी में काम जो है वो अपनी तेज गति से चल रहा है। और लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। और यहाँ पर यदि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। लगभग इसमें 85% कंप्लीट हो चुका है, जो लखनऊ से शुरू होकर के आपका गाजीपुर तक के लिए जाएगा। और यदि आपको फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक पे आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, तो यहाँ पर लगभग जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और 2021 में इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो आपका है एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसमें 450 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण जो कि पहले ही किया जा चुका है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, 6 लेन का ये होगा एक्सप्रेसवे, और इसमें 270 हेक्टेयर की ज़मीन का जो अधिग्रहण किया जाना है उसमें से 450 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। और इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को NE6 का दर्जा दिया गया है। यदि गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो लेंथ 594 किलोमीटर की 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। यहाँ एक्सप्रेसवे बनने के बाद में 6 घंटे से भी कम समय लगेगा आपको दिल्ली से प्रयागराज जाने में। यदि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो टोटल लेंथ है जो कि 296 किलोमीटर है, और इसमें 4 लेन का ये जो बन रहा है अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 16 फ्लाईओवर होंगे इसमें, 22 छोटे ब्रिज और 2 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, आगरा, लखनऊ से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और 2021 लास्ट में इस एक्सप्रेसवे को भी बना करके तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है UPEDA के द्वारा। ये सभी उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन जो एक्सप्रेसवे हैं लगभग 2022 या कुछ 2021 में भी रेडी हो जाएंगे, जिसमें आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है लगभग कंप्लीट हो चुका है, 85% का इस पर काम हो चुका है, और ये 3 से 4 महीने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका चालू हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो या बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इनमें से और आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बहुत ही जल्द जैसे ही ये सभी एक्सप्रेसवे चालू हो जाते हैं वैसे ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक जो अलग छवि बन के आएगी। निर्माण होंगे हाईवे के पास, एक्सप्रेसवे के पास में लोगों को रोज़गार मिलेगा, और देखेंगे कि बहुत ही किसानों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन भी एक्सप्रेसवे के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है आप लोगों से, उसमें से सिर्फ और सिर्फ बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को छोड़ करके सभी एक्सप्रेसवे पर जो है काम चल रहा है। किसी में ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है तो किसी में लगभग 85 से 90% तक की काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पर अभी ना तो DPR रेडी हुआ है, DPR के बाद जैसे DPR रेडी होता है उसके बाद में ज़मीन का अधिग्रहण होगा। उसमें देरी क्यों हो रही है, अभी UPEDA के द्वारा ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में क्यों दिक्कत आ रही है, अभी तक क्यों इतना टाइम लग रहा है।
माना ऐसा जा रहा है कि पूर्वांचल या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे ही आपका रेडी हो जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रेडी होने के बाद में बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का नंबर आ जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हम जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बताएंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।